हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी। और आज हम डिस्कस करेंगे द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ सेशंस में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिक्र किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी गाइडलाइंस क्या हैं, कैसे बनाओ, उसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, इसको डिस्कस किया। सो उसी कंटिन्यूशन में आज जो हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के, और उसमें हम पहला टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो प्रीएम्बल होता क्या है? हमने कई बार सुना है प्रीएम्बल क्या है, एक प्रस्तावना जिसे बोलते हैं हिंदी में अगर हम बात करें। तो इस प्रीएम्बल से लेके काफ़ी सवालात या क्वेश्चन जो हैं प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं, और इस प्रीएम्बल का रेफरेंस देके भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो इनडायरेक्टली मेंस में पूछ लिए जाते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा अपने टेक्स्ट बुक में भी, और इस पूरे सेशन में बहुत इसको ध्यान से देखिए, देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि एक इन जनरल प्रीएम्बल है क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसे भी कोई भी आप बुक पढ़ते हैं, तो जैसे कि किसी एक बुक में उसका इंट्रोडक्शन दे रखा होता है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में बताती है, या उसका प्रीफेस आपने देखा होगा उसमें पहले लिखा रहता है प्रीफेस ऑफ द बुक। तो प्रीएम्बल जो है वो भी एक तरीके का इंट्रोडक्शन है और प्रीफेस है रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है कि उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, या इसका सोर्स क्या है, इसमें कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन से आइडियल्स के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो वो सारी चीज़ें एक छोटे से इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिखा रहता है। तो दिस इज़ नथिंग बट अ इंट्रोडक्शन और अ प्रीफेस ऑफ अ बुक दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कन्वेइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब यह है कि एक तरीके का ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स थे जिनकी वजह से, जिनके थ्रू गाइड होके ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि कन्वेइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसके पीछे आधार क्या था, वो कौन से प्रिंसिपल्स थे, कौन से नियम थे जिनको आधार मान के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। सो इट इज़ नथिंग बट अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कन्वेइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, दिस इज अबाउट द प्रीएम्बल। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रीएम्बल एक्सप्लेन्स द पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको बनाने का पर्पस क्या था या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको एक छोटे से इंट्रोडक्शन की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है ये प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल क्या है? एक तरीके का इंट्रोडक्शन है और प्रीफेस है, एक तरीके का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन से थे जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये बताता है उस कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या था बनाने का या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ये बात करता है आपका प्रीएम्बल। आगे बढ़ते हैं। प्रीएम्बल कंटेन्स द फंडामेंटल वैल्यूज़ एंड फिलोसफी ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, यानी कि कोई भी जब हम किताब लिखते हैं या कोई भी नियम की किताब हो या कोई भी इन जनरल बुक हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़, कुछ बेसिक मूल वैल्यूज़ होती हैं, या कोई फिलोसफी होती है, कोई दार्शनिक आधार होता है जिसके बेस पर वो किताब लिखी जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई ना कोई फंडामेंटल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, कुछ फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है, उस फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था। अब वो फिलॉसफी क्या है, वो फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है, वो हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रीएम्बल एम्बॉडीज द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रीएम्बल है ये कलेक्टिवली बताता है कि जो इंडिया के लोग हैं उनके आइडियल्स क्या थे, उनकी सोच क्या थी, उनकी एस्पिरेशंस क्या थी, उनकी चाहत क्या थी, वो क्या चाहते थे, वो काफ़ी टाइम ग़ुलाम रहे, ग़ुलामी में उन्होंने जो जो चीज़ें झेली उसके बाद वो ग़ुलामी से उभर के आए, तो वो क्या चाहते थे, वो इक्वालिटी चाहते थे, फ्रेटर्निटी चाहते थे, वो समानता का अधिकार चाहते थे, वो धर्मों में भेदभाव नहीं चाहते थे, वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ व्यतीत करना चाहते थे सबको, जिसमें समान अधिकार मिले, रोज़गार के अवसर हों,
और कोई धर्म जाति को लेके कोई उनमें डिफरेंसेस ना क्रिएट किया जाए और उनमें एक आज़ादी की फीलिंग हो कि वो किसी भी दूसरे मुल्क के अधीन ना हो, वो ख़ुद अपने आप में एक डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक की तरह बाहर निकल के आए। तो वो बहुत सारे आइडियल्स थे जहाँ पर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इक्विटी की बात की जाए, तो वो उन सारे आइडियल्स को कलेक्टिवली प्रियम्बल में एक छोटे से इंट्रोडक्शन के फॉर्म में रख दिया गया। तो दिस प्रियम्बल इज़ नथिंग बट द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस प्रियम्बल इज़ अ की टू अनरेवल द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन ब्रैकेट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उसने क्या कहा है प्रियम्बल के बारे में। ये प्रियम्बल बताता है कि जो भी लोग इन्वॉल्व थे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में या जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, जो निर्माता रहे हैं, जैसे कि बी आर अम्बेडकर और उनके साथ काफ़ी लोग थे जैसे के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, ठीक है, जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो उन सब के दिमाग में क्या था, उन सब के माइंड को बताने के लिए कि उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इन लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनके माइंड में, उनके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था। तो ये प्रियम्बल जो है ये उस टाइम उनके दिमाग को दर्शाता है कि उनके दिमाग की व्यथा क्या थी, व्यवस्था क्या थी। दिस इज़ अ की टू अनरेवल द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो लोग बनाने वाले थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, इसको बताने की कोशिश करता है ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नथिंग बट एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसेंस कहते हैं किसी चीज़ का निचोड़, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो निचोड़ है, जो एक्सट्रैक्ट है, एसेंस है, वो आपको मिलता है किसमें, प्रियम्बल में। आप प्रियम्बल देख के समझ आएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ फिलोसफी ऑफ इट्स ओन। आप चाहे वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, या इंग्लैंड का हो, या ऑस्ट्रेलिया का हो, या आयरलैंड का हो, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी अपनी एक फिलोसफी होती है, यानी कि दार्शनिक विचारधारा होती है जिस पे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है। सिमिलरली हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी किसी न किसी एक दार्शनिक विचारधारा या फिलॉसफी बेस्ड है। तो वो फिलॉसफी हमें पता चलती है किससे, प्रियम्बल को पढ़ने से। जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया होगा। दिस प्रियम्बल टॉक्स अबाउट द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में ये पता चलता है कि जो अब हम बात करते हैं कि प्रियम्बल कैसे बना, कैसे आया। तो इससे पहले हम जानेंगे कि एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं जो हमने स्टडी किया है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको पेश किया और 22 जनवरी 1947 को यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था यही बेस बना किसका, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। कि जब 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ तो इसी की मदद से जो है आगे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये भी एक तरीके का आइडियल्स बताता है, एस्पिरेशंस बताता है लोगों की कि लोग क्या चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आगे जाके प्रियम्बल बना, थोड़ा सा शब्दों का बदलाव करके। सो दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद लिटिल वर्बल मॉडिफिकेशन। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी में थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर करके, हेर फेर करके इसको एक एक फॉर्म में ला के इसको बना दिया गया प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल जो था, प्रियम्बल बना किसकी वजह से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से। और ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था, जवाहरलाल नेहरू, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया और एक एज ए फिलॉसफी की तरह प्रदर्शित किया किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल की नेचर कैसी होती है। अब नेचर क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पढ़ा है या आपने कहीं और पढ़ा होगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे ही DPSP ये किसी भी कोर्ट में एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते हैं, इसी तरीके से प्रियम्बल भी है, ये भी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि आप कहीं भी इसको लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं कर सकते। प्रियम्बल की मदद से सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होता है, या फिर कहीं अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट क्या करता है,
एक जब रिव्यू किया जाता है जुडिशल रिव्यू, तो वो मदद लेते हैं प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल की मदद से वो ये देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ प्रीएम्बल से टकरा रही है, मैच नहीं खा रही है, तो वो उसमें दो डिसीजन जैसे हैं आपके सामने, और उन दो डिसीजंस में कोई एक डिसीजन जो है प्रीएम्बल से मैच खा रहा है, एक प्रीएम्बल से मैच नहीं खा रहा है, तो उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाता है जो कि प्रीएम्बल से मैच खा रहा है। तो फॉर द सेक ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रीएम्बल का यूज़ किया जाता है। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं तो वो जब रिव्यू करते हैं तो प्रीएम्बल का यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन प्रीएम्बल जो है वो किसी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, इट इज़ नॉट जस्टिफेबल इन नेचर, सेम एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट बाय लॉ। दिस प्रीएम्बल नीदर प्रोवाइड्स सब्सटेंटिव पावर नॉर लिमिट द पावर्स ऑफ थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। यानी कि ये जो प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल ना तो गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाती है, ना उनकी किसी भी पावर्स को कम करने की कोशिश करती है। ये एक तरीके का जस्ट एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अगर आपको ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या, तो सिर्फ आप प्रीएम्बल पढ़ के ये समझ सकते हैं। लेकिन इस प्रीएम्बल की वजह से ना तो सरकार के किसी भी ऑर्गन की पावर कम होगी, ना ये किसी की पावर को बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लेटर शैल प्रिवेल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीएम्बल जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। ओवरराइड से मतलब है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखा हुआ है या कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उसको ये प्रीएम्बल ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर प्रीएम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में अगर कोई भी टकराव होता है, तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो प्रिवेल करेगा, यानी कि पहले उसको वरीयता प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल जो है ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इसका सोर्स क्या था। इसका सोर्स यही था कि इट इज़ अ सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी। तो जब भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो खासतौर पर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो सोर्स है वो है द पीपल ऑफ इंडिया। आगे जब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल की लैंग्वेज क्या है, तो प्रीएम्बल की लैंग्वेज स्टार्ट इसी से होती है, द वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं आगे पूरा स्टेटमेंट आगे पढ़ूंगा इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, जो इंडिया के जो लोग हैं, इन्होंने ही, इनके थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन है ही इन्हीं के लिए। यानी कि जितनी भी डेमोक्रेसी की अगर बात करें, या सोवरेनिटी की बात करें, या आपके सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक, जितने भी टर्म्स हैं, ये सब निकल के आए हैं किससे, द पीपल ऑफ इंडिया। लोग ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के एज ए MLA और MP पार्लियामेंट में भेजते हैं, वही लोग जाके लॉ बनाते हैं। और लॉ किसके लिए बनाते हैं, लॉ बनाते हैं पब्लिक के लिए। लेकिन अगर वो लॉ जो है पब्लिक के किसी भी फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है, या उनके अधिकारों का हनन करता है, तो एक जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है उस लॉ को या उस आर्टिकल को ये कहते हुए ख़त्म कर देते हैं कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे से टकरा रहा है, या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे टकरा रहा है। क्योंकि हर तरीके से पीपल ऑफ इंडिया जो है वही है इस देश के असली हकदार। चाहे आप सोवरेनिटी की बात करें, चाहे आप रिपब्लिक होने की बात करें, तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, सिमिलरली दिस प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट द वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट। तो हमें ये पता चलता है प्रीएम्बल के थ्रू कि हम बात करते हैं टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। एक्चुअल में प्रीएम्बल दिखता कैसा है, प्रीएम्बल लिखा कैसे है, जो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या कहीं भी आपको NCERT में या किसी भी और बुक में देखने को मिलेगा, तो किस तरीके का प्रीएम्बल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग विद द कोट्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस and what kind of justice, social, economic, political liberty and liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Okay, commas or quotes closed.
अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को देखें तो देखिए इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम ही लोग जो देश के वासी हैं, देश के नागरिक हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, हम सोलेमनली रिजॉल्व हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, हम इंडिया को कैसा बनाएंगे, सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और क्या करेंगे, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, कितने तरीके के जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, कितने तरीके की लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, साइड बाय साइड इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, दिस 26th डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 तारीख नवंबर की 1949, ये वो डेट है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने हेयर बाय अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और अपने आप को इसको समर्पित किया एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि कौन है इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें हमने बहुत सारे वैल्यूज़ की बात की, कौन कौन सी वो वैल्यूज़ हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, तो ये वो सारी वैल्यूज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एस्टेब्लिश करेगा और प्रमोट करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोगों ने, जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो उस दौरान ये सब सारी चीज़ें झेली, वो गुलाम थे, वो सोवरेन नहीं थे, वहाँ पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बात नहीं होती थी, सेक्युलर नहीं थे, धर्म को लेकर लड़ाई होती थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, यानी कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, वो जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकते थे, रिपब्लिक नहीं थे, यानी कि उनका कोई राष्ट्रपति नहीं था, एक जस्टिस नहीं था उनके सामने, ना कोई सामाजिक जस्टिस था, ना इकोनॉमिक जस्टिस था, ना पॉलिटिकल जस्टिस था, ना लिबर्टी ऑफ थॉट था उनके पास, ना लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन था, बिलीफ की लिबर्टी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी उनके पास, किसी भी चीज़ की समानता नहीं थी, जॉब में इक्वालिटी नहीं थी, फ्रटर्निटी नहीं थी, आपस में इंटीग्रिटी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आज़ादी के बाद जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तो इन सारे चीज़ों को, ये वो आइडियल्स हैं, ये वो एस्पिरेशंस हैं जो लोग चाहते थे कि ऐसा हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया गया और ये सारी वैल्यूज उसमें डालने की कोशिश की गई ऑन द डे ऑफ 26th of November 1949। तो ये हो गई आपकी टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल, आई होप काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो, ये जो आपको अंडरलाइन दिख रहा है, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये तीन वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये बाद में जोड़े गए हैं एक अमेंडमेंट के थ्रू, जब अमेंडमेंट किया जाता है या कोई लॉ लाया जाता है चेंज करने के लिए, कोई चीज़ ऐड करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट प्रोसेस। तो एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसी की मदद से ये बाद में तीन शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट। नाउ हम डिस्कस करेंगे बेसिक वैल्यूज ऑफ द प्रीएम्बल, जो अभी हमने टेक्स्ट में डिस्कस किया, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, इक्वलिटी, फ्रटर्निटी और जस्टिस, ये सारी चीज़ें, तो ये सब वैल्यूज़ हैं, तो अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बेसिक वैल्यूज ऑफ द प्रीएम्बल। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वी द पीपल। तो ये वी द पीपल क्या कहता है, ठीक, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रीएम्बल में सबसे पहली वैल्यू जो है वो है आपका वी द पीपल, क्योंकि हम ही लोग हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, ठीक है, या कोई भी सोवरेन होगा या डेमोक्रेटिक होगा या सोशलिस्ट होगा, तो वो हमारा ही सोर्स है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। टू रिकोगनाइज एंड रेस्पेक्ट इंडियाज पोलिटिकल सोवरेन द पीपल। सो अगर हमें अपने आप को एज अ सोवरेन महसूस करना है, फील करना है कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, किसी भी कंट्री का कॉलोनी नहीं है, हम किसी कंट्री का गुलाम नहीं है, यानी कि कोई और कंट्री नहीं है, कोई और देश नहीं है जिसके अगेन हम अधीन हैं, हम खुद ही अपने आप में फ्री हैं अपने देश को चलाने के लिए, अपनी सत्ता को चलाने के लिए, अपने अधिकारों की बात करने के लिए, तो जिसे हम बोलते हैं सोवरेन। तो ये सोवरेनिटी जब ही आएगी जब हम वी का मतलब ये है अ कलेक्टिविस्ट अप्रोच, कि हम लोग कलेक्ट हैं। टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इंडियाज पॉलिटिकल सोवरेन, पॉलिटिकल सोवरेन का मतलब ये है कि हमें वोट देने का अधिकार हो और हमारा खुद का प्रेसिडेंट हो, हमारा खुद का इलेक्शन हो, हमारी खुद की पॉलिटी हो, हम किसी भी दूसरे कंट्री में का पार्ट ना गिने जाएं, हमारा खुद का अपना नाम हो, हमें इंडिया के तौर पे एक सेपरेट कंट्री की फॉर्म में गिना जाए।
अगर हम बात करें तो बीइंग अ सिटीजन इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ अ पर्सन इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अगर किसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की जाए कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, लोगों का रूल चलता है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं. रिपब्लिक कहते हैं कि जहाँ पर कोई भी इंसान उस देश का हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, जैसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं तो रिपब्लिक होगा, एक एग्जीक्यूटिव हेड होगा. तो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की कंडीशन में अगर कोई इंसान सिटीज़न है तो वो सिटीज़नशिप जो है वो उसके लिए सबसे हाईएस्ट रैंक है, यानी कि वो इतना फ्री है इतना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में. आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी वैल्यू की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोवरेनिटी. अभी जैसे मैंने इससे पहले भी बात की, सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि हम किसी के अधीन नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई और कंट्री हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है, ना किसी और कंट्री की सरकार है. हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं अपने वोट देने के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए, और अपनी एज ए कंट्री पहचान पूरी दुनिया में जानने के लिए कि हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम हो, हमारे अंदर पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, सोशल डेमोक्रेसी हो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो. तो ये सारी चीज़ें सोवरेनिटी का पार्ट होते हैं. सोवरेनिटी जब ही होगी जब अपने आप को आप फ्री महसूस करेंगे. तो सोवरेनिटी की अगर बात करें तो सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर एक्नॉलेजिंग नो सुपीरियर, यानी कि हम अपने आप को सुप्रीम महसूस करें और एक एब्सोल्यूट पावर हमारे पास, और ये एक्नॉलेज करें कि कोई और हमसे ऊपर सुपीरियर नहीं है. अ कम्प्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम, आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए, आपके पास पॉलिटी जिसे हम बोलते हैं इलेक्शन है, और अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजना, अपनी असेंबली चुनना, अपने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स बनाना जिसे हम बोलते हैं जुडिशरी, आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप कंप्लीट सोवरेन होंगे. इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू डिटरमिन फॉर हरसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फ्री हैं टू डिटरमिन अबाउट योरसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है. तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सोवरेनिटी. प्रोवाइड्स द डिग्निटी ऑफ एग्जिस्टेंस. ये जो सोवरेनिटी है ये उस देश के रहने वाले लोगों को एक डिग्निटी ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि जब जिस देश में आप रहेंगे तो आप डिग्निटी के साथ, एक सम्मान के साथ रहेंगे. आप असम्मान जो है बिल्कुल ऐसी कंडीशन में नहीं रहेंगे जैसे पहले गुलामी में लोग रहते थे. जब इंडिया गुलाम था, जब इंडिया कॉलोनी था, तो उस टाइम लोगों की डिग्निटी नहीं थी. अंग्रेज़ जो है बहुत ही वर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ देश के निवासियों के साथ व्यवहार करते थे. लेकिन जब इंडिया डेमोक्रेट अब सोवरेन बन गया तो हमारे पास डिग्निटी आ गई, हमारा सम्मान हमें वापस मिल गया. तो सोवरेनिटी टॉक्स अबाउट द डिग्निटी ऑफ एग्जिस्टेंस. तो अगर आप किसी कंट्री में रह के डिग्निटी के साथ नहीं रह पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक सोवरेन कंट्री में नहीं रह रहे हैं. द अल्टीमेट सोवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया. अगेन द सेम वर्ड दैट वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट स्लाइड, वी द पीपल ऑफ इंडिया. सिमिलरली द अल्टीमेट सोवरेनिटी रेस्ट और लाइज विद द पीपल ऑफ द इंडिया. एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द पीपल. सो जितने भी सरकार है बनती हैं या सरकार के जितने भी अंग हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो ये सब किससे बनती है? ये सब उस देश के रहने वाले नागरिकों से बनती है, उस देश के लोगों से मिलती है. उन्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो पावर्स मिलती हैं, वो भी उस देश के रहने वाले लोगों से प्राप्त होती हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द पीपल. सो ये भी एक पार्ट है सोवरेनिटी का. इस सोवरेनिटी की बात जो है आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें भी की गई है कि अगर आपको सोवरेनिटी चाहिए तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, आपकी भी एक ड्यूटी है कि आप क्या करेंगे. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 51A सबक्लास सी. ओके, सो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में दी गई हैं उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 51A विदिन ब्रैकेट सी, कि हर एक सिटीज़न को, हर एक नागरिक को इस देश की सोवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना है, सुरक्षित रखने की कोशिश. आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं तीसरी वैल्यू की. पहली वैल्यू था वी द पीपल ऑफ इंडिया, देन वी टॉक्ड अबाउट आपके सोवरेनिटी. अब हम बात करते हैं सोशलिज्म. सोशलिज्म क्या है इसको डिस्कस करते हैं. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इस वर्ड का यूज़ प्रीएम्बल में या कॉन्स्टिट्यूशन में, खासतौर पर प्रीएम्बल में नहीं यूज़ किया गया था.
वॉज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाद में जोड़ा गया विद द हेल्प ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, 42वें अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया। जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो सोशलिज्म का मतलब ही होता है कि अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्टिक एंड विद द डेमोक्रेटिक मीन्स, यानी कि सोशलिज्म का मतलब है कि समाज में हर चीज़ सोसाइटी के हिसाब से हो। सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, हर रिलीजन के लोग होते हैं, हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, अलग अलग जेंडर के हैं, क्लास के, कास्ट के, क्रीड के, तो हमें सबके बीच समानता रखते हुए सबके अधिकारों की, सबके राइट्स की बात करनी है। दैट इज़ कॉल्ड द सोशलिस्टिक अप्रोच, जिसमें कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पावर का, इक्वली रिसोर्सेज बटें, तो उसमें बोलते हैं सोशलिस्टिक एंड्स। सो सोशलिस्टिक एंड्स जो है वो किससे मिलेंगे आपको, डेमोक्रेटिक मीन्स से, तो उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक मीन्स का मतलब जो रास्ता आप अपनाएंगे वो अपनाएंगे डेमोक्रेसी के थ्रू। अगर आपको सोशलिज्म को अचीव करना है तो उसके लिए आपको डेमोक्रेसी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस सोशलिज्म का, पॉवर्टी को हटाना, बीमारियों को हटाना, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, और कुछ लोग जो है अवसर से विहीन रहें, या उनको अवसर प्राप्त ना हो, अपॉर्चुनिटीज ही ना मिले। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलिज्म इज़ टू रिमूव द पॉवर्टी, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। मूविंग ऑन, नाउ द नेक्स्ट वैल्यू विच इज़ बीन गिवन इन द प्रीएम्बल इज सेक्युलरिज्म। ओके, सेक्युलरिज्म और सेक्युलर का होने का मतलब क्या है? तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का मतलब है, जैसा कि हम बात करते हैं, ये वर्ड जो है ये भी पहले जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें नहीं था, इसको भी बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की या इंडिया की, तो इस सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि इंडिया जो होगा वो रिलीजियस मैटर्स में न्यूट्रल रहेगा, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की साइड ना लेके एक न्यूट्रल स्टेट को अपनाने की कोशिश करेगा। इसे हम बोलते हैं इन जनरल सेकुलरिज्म, यानी कि इट इज़ नीदर रिलीजियस नॉर इरिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस बट ओनली नॉन रिलीजियस। कहने का मतलब भाई ना तो रिलीजियस होगा ना ही इरिलीजियस होगा, यानी किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट होगा या एंटी रिलीजियस होगा, बस होगा क्या, बट ओनली नॉन रिलीजियस, यानी कि वो किसी भी तरीके के धर्म को लेके कोई कानून नहीं बनाएगा कि जो किसी एक धर्म के खिलाफ हो या किसी धर्म को सपोर्ट करता हो। एक उसकी जो प्रवृत्ति होगी, जो जो एक नेचर होगी, वो होगी नॉन रिलीजियस। अब इस सेकुलरिज्म वर्ड को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है और ये पूछा भी गया, तो इस पर बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये बताया गया कि इट वॉज फाउंड एसेंशियल इन व्यू ऑफ द परसिस्टेंट कम्युनल टेंशन एंड राइट। उस टाइम में जब बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन्स हो रही थी और धार्मिक झगड़े हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, इसलिए इस वर्ड को प्रीएम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना पड़ा। हालांकि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी ये इम्प्लिसिट था, ये उसकी एक क्या ना एक थीम में था, लेकिन एक इसको दिखाया नहीं गया था, इसको किसी शब्द की फॉर्म में शो नहीं किया गया था, किसी वर्ड की फॉर्म में इसे दिखाया नहीं गया था, लेकिन इसको बाद में दर्शाया गया। ऐसा नहीं कि उसकी ये आत्मा में नहीं था या उसकी सोल में ये इनबिल्ड नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल में सेकुलरिज्म था, बट इट वॉज नॉट एक्सप्लिसिट इन नेचर, एक्सप्लिसिट नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया। अब बात करते हैं हम डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द पीपल, जिस देश में लोगों को अपनी मर्जी की चॉइस चुनने का हक हो, इतनी उन्हें आज़ादी हो कि वो चुन सकें, उसे हम बोलते हैं एक तरीके की डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी में हमेशा क्या होता है, जो सोसाइटी होती है वो हमेशा ओपन रहती है नए विचारों के लिए, नए आइडियाज़ के लिए, और क्रिटिसिज्म के लिए भी, कि आपको जब नए आइडियाज़ के लिए आप ओपन हो तो आपको क्रिटिसिज्म के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। और डेमोक्रेसी में होता क्या है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो जितने भी रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं और वो रूलर्स लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, तो ये भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट है।
इंडिया में क्या है, इंडिया में एक तरीके की डेमोक्रेसी है जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें कि हम अपना प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव चुन के इन द फॉर्म ऑफ एमएलए और एमपी जो हम विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इंडिया में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो आप हम सब जानते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो 18 साल या उससे ऊपर का हो जाता है तो उसको वोट देने का अधिकार होता है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, हर 5 साल के बाद या 4 साल के बाद, जब भी 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपनी मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है ये भी एक तरीके की सोवरेनिटी को दर्शाता है कि अगर किसी इंसान को इतना अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज सकता है, यानी कि वो इतना आज़ाद फील कर रहा है, इतना सोवरेन फील कर रहा है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है पार्लियामेंट में, ओके। लेकिन हम अगर अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ हम डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में सिर्फ वोटिंग की तक बात लिमिट हो जाती है, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लीड नहीं करेगी, यानी कि अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होने की वजह से किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, यानी कि आपको वोट देने का अधिकार है, वहाँ पर अच्छी सी पॉलिटी चल रही है, लेकिन इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की वजह से उस कंट्री में सोशल डेमोक्रेसी नहीं आ रही है एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि वहाँ पर सबको अवसर में समानता है, सबको इक्वालिटी है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सबको जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की वजह से सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है अपने एम पर जो है थोड़ा सा बैकफुट पर है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का होना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ रिपब्लिक, ये भी एक वैल्यू है जो प्रीएम्बल में मेंशन की गई है। व्हाट इज रिपब्लिक? इन द केस ऑफ रिपब्लिक द सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि रिपब्लिक का मतलब ये है कि कोई भी इंसान उस देश का प्रेसिडेंट बन सकता है अगर वो एक सर्टेन एज जो है अचीव कर ले, अटेंड कर ले, और एक सर्टेन एलिजिबिलिटी है वो अटेंड कर ले, तो वो उसका प्रेसिडेंट, उस कंट्री का प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये हर एक इंसान को ये इक्वल चांस है इन द केस ऑफ रिपब्लिक, और वो जो प्रेसिडेंट होगा वो उस कंट्री का या उस स्टेट का हेड होगा। और उस रिपब्लिक के केस में जो भी प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है और नॉमिनेटेड होता है, यानी कि हम इलेक्ट करके या नॉमिनेट करके उस प्रेसिडेंट को बनाते हैं। एवरी सिटीजन आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज इज इक्वली एलिजिबल टू बिकम हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि रिपब्लिक होने की ये पहली कंडीशन है, ओके। सो आज के लिए इतना ही, ये हमने डिस्कस किया प्रीएम्बल के बारे में, जितनी भी वैल्यूज़ थी वो हमने डिस्कस की कि प्रीएम्बल में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, प्रीएम्बल होता क्या है, प्रीएम्बल की नेचर क्या है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश की है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और इस तरीके की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।